हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम, जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी तल पर, अगर कोई तल आपके पास है और कहीं भी किसी भी बिंदु की स्थिति या किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास ये कार्तीय तल है पूरा, तो इसमें हम क्या करते थे, निर्देशांक अक्ष बना लेते थे, जिसे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जैसे ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, इन्हें बना लेते थे। तब हम इसमें ये इन्हें कितने भागों में डिवाइड करता है, चार भागों में। ये पहला चतुर्थांश होता था, ये फर्स्ट चतुर्थांश था, ऐसे सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये आप सब जानते हैं। और यहाँ पर इसे बोलते हैं मूल बिंदु, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह होते हैं, इधर ऋणात्मक और ये धनात्मक और ये धनात्मक। और इसमें किसी भी बिंदु को निर्धारित करने के लिए आप भुज और कोटि नाम दिया करते थे। जैसे अगर मैं एक्स अक्ष पर बात करूं, तो एक्स अक्ष को हम भुज बोलते थे और वाई अक्ष के निर्देशांक को हम बोलते थे कोटि। तो यदि किसी पॉइंट को हमें दर्शाना है, तो यदि मैं एक्स अक्ष पर दर्शाऊं, जैसे यहां पर दर्शाया मैंने ये पॉइंट, तो आप देख पा रहे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके 6.0। और अगर वाई अक्ष पर दर्शाते हैं तो उसके निर्देशांक होंगे आपके वाई अक्ष पर, या फिर मैं ये लिख दूं, अगर ये होंगे जीरो कोमा सेवन और ये वाले जो होंगे ये होंगे 6.0। यानी कि ये रूप हम कह सकते हैं 0.y और x.0, ये एक्स अक्ष पर कहीं होता था और ये वाई अक्ष पर कहीं होता था। और यदि मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है यहां पर सी, और अगर सी की बात की जाए, तो मैं अगर इससे पूछूं इस सी की, तो सी जो पॉइंट होगा वो होगा आपका 4.5। अगर मैं एक्स अक्ष से दूरी पूछूं, तो जो ये वाली दूरी होगी इसकी वो होगी 5, और वाई अक्ष से जो दूरी होगी इसकी वो होगी 4। तो इस प्रकार हम इन वैल्यू को निकाल सकते थे। अगर मैं इस पॉइंट के लिए आपसे पूछूं कि एक्स अक्ष की दूरी क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं 4 है। और अगर मैं एक्स अक्ष से दूरी पूछूं, इस पॉइंट की यदि मैं एक्स अक्ष से दूरी पूछूं, तो आप 5 बताएंगे, और वाई अक्ष से दूरी पूछूं तो 4 बताएंगे। तो और इस 5 को हम क्या बोलते थे, कोटि, और इस 4 को हम क्या बोलते थे, भुज। यहां पर ये भुज है और ये कोटि है। ये सब आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। यहां पर ये मूल बिंदु है, ये सब हम जानते हैं। तो अभी हम इससे आगे जो इस चैप्टर में या कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे उसे करने जा रहे हैं। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी है वो एक्स निर्देशांक है, जिसे भुज कहते हैं, और एक्स अक्ष से जो दूरी है वो वाई निर्देशांक है, जिसे कोटि कहते हैं। और एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा x.0, और वाई अक्ष पर जो बिंदु होगा 0.y के रूप का होगा। ये सब चीजें हमने पढ़ा है। तो आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र के लिए एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इसका फॉर्मूला देखते हैं किस प्रकार से हम इसके दूरी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है जिसे हमने कार्तीय तल को चार भागों में बांटा है ग्राफ से, और इसमें अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पॉइंट है, एक पॉइंट मेरे पास है ये, और दूसरा पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अलग पॉइंट है मेरे पास एक, हम मान लेते हैं इसे, ये अभी हमने माना है 3.4, और दूसरा एक पॉइंट है हमारे पास, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ये मैं मान लेता हूं 7.4,
लेता हूं। ये पॉइंट है, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है यानी कि दूरी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए ये दूरी हमें निकाल के देनी है यहां से यहां तक की। अब यदि इस पॉइंट को देखें एको, तो इसकी यहां से दूरी कितनी है हमारे पास, 3। इसे हम बना सकते हैं, जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, 3 है। और यदि इसकी डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस हमारे पास है 7। इसी प्रकार हम एक्स वाई एक्स से दूरी देख लेते हैं, वाई एक्स से दूरी देखें, ये 4 डिस्टेंस है। और अगर मैं वाई एक्स से बी की दूरी देखूं तो ये होगी मेरे पास 8। अब हमें चूंकि ये फाइंड करना है तो यहां पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं ये आएगी 4, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 8 है और यहां से यहां तक ये 4 है, तो ये बचेगी 4। और इसी प्रकार ये यहां से यहां तक कितनी है, 7। अगर मैं केवल इस डिस्टेंस की बात करूं, इस वाले डिस्टेंस की, इतने डिस्टेंस की, तो ये 4 है, ये 7 पूरी है कंप्लीट, और ये 4 जो है बी और जी है। अगर बी जी मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 4 है ए जी, तो मैं ए भी फाइंड कर सकता हूं। तो ए भी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 7 कंप्लीट 7 है, इसे 7 को बाहर लिख देते हैं, ये 4 है, ये 4 है, अब हमें ए भी निकालनी है। तो ए बी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, ये आप जानते हैं अच्छी तरह, जो समकोण त्रिभुज में यूज की जाती है। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ए बी का वर्ग क्या होगा, ए जी का वर्ग प्लस बी जी का वर्ग, और ये हमारे पास है 4 का वर्ग, और ये भी हमने 4 ही निकाला है यहां से, ये 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 16, और ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 16, 16 का 4 बाहर आएगा, तो इसे मैं यहां लिख देता हूं 4 रूट 2 यूनिट मात्रक। इस प्रकार हम इस डिस्टेंस को निकाल पा रहे हैं ए से बी तक की डिस्टेंस को, 4 रूट 2, रूट 2 में ही छोड़ देते हैं, 4 रूट 2 ये है। तो इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है। अब यदि हम इसी को एक फॉर्मूले बेस्ड बना लें, कोई भी कहीं भी एक बिंदु ले लें, जैसे यहां मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं ए, और यहां पर कोई एक अन्य पॉइंट ले लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं एक अन्य पॉइंट, यहां इनके हम नाम दे देते हैं। अगर हम नाम की बात करें तो ये मान लेते हैं कि हमारा एक्स वन कोमा वाई वन है, और यहां बात कर लेते हैं एक्स टू कोमा वाई टू की। अब यदि मैं ए और बी को फाइंड करना है, मैं ए बी को ज्वाइन कर लूं, अगर मुझे ए और बी फाइंड करनी है, अब सबसे पहले अगर मैं बी की डिस्टेंस देखूं एक्स अक्ष से, ये डिस्टेंस, तो अगर
इसकी बात की जाए तो जो ये डिस्टेंस होगी मेरी, ये होगी y2। अभी इसका नाम दे देंगे। इसी प्रकार अगर इस डिस्टेंस की बात की जाए तो ये होगी y1, और इसी प्रकार इस डिस्टेंस की बात की जाए ये डिस्टेंस होगी x1, और अगर इसी प्रकार इस डिस्टेंस की बात की जाए ये डिस्टेंस होगी x2। तो इनके नाम हम नोट कर देते हैं। ये डिस्टेंस है x1, ये y1, ये y2 और ये x2। अब हम बात करने जा रहे हैं, केवल इसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर हम इसे ट्रायंगल बनाएं तो इस डिस्टेंस, इसे ज्वाइन कर लेता हूं मैं, अब यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करूं ए जी, समझे आप इसे, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस जो है एक्स टू है और ये डिस्टेंस क्या है एक्स वन है, तो ये जो डिस्टेंस होगी मेरी ये होगी एक्स टू माइनस एक्स वन। और इसी प्रकार अगर इस डिस्टेंस की बात करूं, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूरी वाई टू है, ये वाई वन है, तो यहां कितना बचेगा वाई टू माइनस वाई वन। अगर अब इसे कैलकुलेट करें हम, तो इस ट्रायंगल ए जी बी में, ट्रायंगल ए जी बी में, यहां पर जी है, ये एच को हटा देते हैं, ए जी बी में ट्रायंगल ए जी बी में पीजीटी से, अब ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं ए जी बी में पीजीटी से, ए बी का स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ए बी का स्क्वायर, ए जी का स्क्वायर, बी जी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए ए जी और बी जी, ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर। जो ए जी था आप चित्र में देख सकते हैं, ए जी ये था एक्स टू माइनस एक्स वन और ये था वाई टू माइनस वाई वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। और अगर मैं ए बी को स्क्वायर को इधर लेके जाऊं तो ये होगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। यानी कि जो ए बी है वो आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ए बी हमारे पास आया है एक्स अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम ए बी को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां पर स्क्वायर है, अगर मैं इसे, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से अगर मैं इसे एक्स वन माइनस एक्स टू या ए बी को अगर मैं ये लिख लूं और ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। चूंकि यहां पर स्क्वायर है, अगर y2 माइनस y1 प्लस का है तो y1 माइनस y2 जो होगा नेगेटिव होगा, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो चाहे तो आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट याद करें, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर याद करें। सही बात यह है, आपको करना क्या है कि जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करो तो आपने करना क्या है कि जो x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस, और जो y कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं जल्दी से, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे मान लो हमें ए पॉइंट दिया है, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, मान लो हमें एग्जाम
एग्जाम्पल में दिया है ए 3.5 और बी आपको दिया है 7.9 मान लेते हैं। अब आपको इनका डिस्टेंस निकालना है, चाहे तो आप फॉर्मूले से याद करो, जो ए बी है मतलब ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू सॉरी वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, इसे आप एक्स वन मान लें, इसे वाई वन, ये पॉइंट एक्स टू और ये वाई टू है, तो ये वैल्यू यहां पे रखेंगे अर्थात 7-3 का होल स्क्वायर प्लस और y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस और ये भी 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16+16 या फिर आप कह सकते हैं 4√2 यूनिट मात्र, ऐसे निकाल सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जब कभी अगर फॉर्मूला ना भी अप्लाई करें तो जल्दी से भी लिख सकते हैं इसे, कैसे, ए बी इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है आपका 7-3 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 4 लिख देता हूं मैं इसे, 4 का स्क्वायर और सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा आपका 16+16 या फिर 4√2 यूनिट। ऐसे ये थोड़ा जल्दी से कर दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करके ऐड कर देना है आपने। तो इस प्रकार हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद करें। आइए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हमने बीच की दूरी का फॉर्मूला बताया है, उसी के आधार पर हम इन्हें ज्ञात करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2.3 और 4.5, अगर इसे हमें ए मान लूं, एक पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं, इसे ए कह देते हैं और इस वाले को हम बी कह देते हैं, हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी बराबर अंडर रूट, हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें अगर हम, तो वैल्यू रखें इसमें फॉर्मूले में, जैसे यदि मैं इसे कहूं कि ये हमारा एक्स वन है और ये वाई वन, ये एक्स टू और इसे हम वाई टू, ये केवल हमने बताएं आपको पहले वाले को 1 मान लेना है, दूसरे वाले को 2 मान लेना है, या पहले को 2 मान सकते हैं दूसरे को 1 मान सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अभी इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू आपका है 4 माइनस 2 और प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ए बी जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके आएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 5-3 अर्थात 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 4 अंडर रूट ए बी, और ए बी बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 4 और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2√2 यानी कि ए बी जो है आपका 2√2 मात्रक है यूनिट्स। इस प्रकार हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट इसका, फिर वही फॉर्मूला अगर हम लिखें, फॉर्मूला है आपका
वाई, इसे भी ए मान लेते हैं और इससे पॉइंट को बी। अगर ए बी लिखना चाहें हम तो ए बी के लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। आप समझें कि आपको x वाले का डिफरेंस, x वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और y वाले का डिफरेंस लेना है हर बार। तो ए भी निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करें, ये आप कह सकते हैं आपके समझने के लिए, ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस वन माइनस एक्स वन। देखो माइनस फाइव पहले और ये माइनस पहले से ही है तो माइनस फाइव लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई टू थ्री है और माइनस सेवन का होल स्क्वायर। तो ए बी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर और ये भी माइनस फोर का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन अंडर रूट, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू टू इंटू सिक्सटीन। टू इंटू सिक्सटीन का मतलब सिक्सटीन का स्क्वायर रूट आएगा, फोर रूट टू बचेगा मात्र। तो इस प्रकार आप सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। थर्ड भी, ये भी इन दो बिंदुओं के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, दूरी फाइंड करनी है। इसे हम नाम देते हैं ए और इसे नाम देते हैं बी। अब हमें ए बी निकालना है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, अप्लाई फॉर्मूला ही करेंगे यहाँ पर। कैसे? पहले x का डिफरेंस लेंगे माइनस वन, सॉरी माइनस ए और माइनस ए, मतलब ये माइनस ए था, इसमें से ए माइनस होगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और बी का माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू बी का होल स्क्वायर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। फोर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसे दूसरे मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू करके लिखता, यानी कि वन माइनस टू करके लिखता, तो ए बी ऐसे लिखा जाता है इसमें, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, जैसे अभी तो हमने माइनस ए से ए को माइनस किया, अब ए में से माइनस ए माइनस करेंगे, ए माइनस और माइनस ए करेंगे तो प्लस हो जाएगा ए का होल स्क्वायर, और ऐसे ही बी माइनस और माइनस बी है तो प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ भी टू ए का होल स्क्वायर है, माइनस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा ही। तो चाहे ऐसा करें या ऐसा करें, तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुओं जीरो कोमा जीरो और थर्टी सिक्स फिफ्टीन यानी कि छत्तीस कोमा पंद्रह के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये अनुच्छेद दिया है तो ये आप बुक में देख सकते हैं, फिलहाल मैं इनके बीच की दूरी ज्ञात कर देता हूँ। पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इसे हम बिंदु मान लेते हैं ओ और ये ए, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन। एक्स टू कितना है, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस फिफ्टीन माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए जो होगा थर्टी सिक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन स्क्वायर अंडर रूट, और थर्टी सिक्स का स्क्वायर जो होता है थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स, तो ये आएगा बारह सौ छियानवे, और पंद्रह का जो होता है दो सौ पच्चीस। जब इसे ऐड करेंगे हम पाँच और छः ग्यारह, नौ दो ग्यारह और एक बारह, दो दो चार और एक पाँच, पंद्रह सौ इक्कीस अंडर रूट ओ ए।
ओए, और ओए जो होगा 1521 जो है 39 का स्क्वायर रूट है, तो इस प्रकार आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये 1.5, 2.3 और -2, -11 संरेखीय है। देखो सबसे पहले संरेखीय होने की कंडीशन मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर। संरेखीय कब होंगे? तीन बिंदु संरेखीय हैं। देखो जैसे ये तीन बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है, ये एक लाइन में है, तो इसका मतलब यह है ये संरेखीय होने की कंडीशन ये, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी? यदि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो? ए सी के। तो ये कंडीशन हमारी क्या है? संरेखीय होने के लिए है। संरेखीय हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, फिलहाल आप इस तरीके को देखें। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगले दो बिंदुओं के बीच की दूरी या किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि तीन बिंदु संरेखीय हैं। तो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ था 1.5, 2.3 और -2, -11। ये दोबारा लिख देते हैं, 1.5 बी 2.3 और सी जो था -2, -11। आपको करना क्या है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, यहां से यहां, यहां से यहां, या फिर एक तरीका ये भी था कि इस पॉइंट्स को हम ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर ड्रॉ करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये संरेखी नहीं है। जैसे पहले इन बिंदुओं को ड्रॉ कर लेते हैं। पहला बिंदु था आपका 1.5, 2.3 और -2, -11। 1.5 को अगर बनाएं, 1.5 एक्स पे एक यहाँ है और वाई पे 5, तो हम यहां बना सकते हैं 1, 1.5। और दूसरा जो पॉइंट था 2.3 एक्स पे 2 वाई पे 3, तो 2.3 आपका हो जाएगा ये। और तीसरा जो पॉइंट था वो आपका था -2, -11 एक्स पे -2 और वाई पे 11, 10 और 1 11, यहाँ वाई लगभग। तो इस प्रकार हम ये तीन पॉइंट देखें और इन्हें देख के आप बता सकते हैं कि ये संरेखी नहीं है। इन्हें बड़े भी अगर कर देते हैं हम, तो अब आप देखें अगर यहाँ पर ये संरेखी नहीं है, तो अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी, अब फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब हम ए बी निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि 2 -1, 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और 3 -5 अर्थात -2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं हम तो 1 + 4 और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 5 ये मात्रक। इसी प्रकार हम यहीं पे दूसरी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस इन दो के बीच की निकाल लेते हैं। बीसी को फाइंड करते हैं। बीसी -2, -2, -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर, तो बीसी सॉल्व हो गया आएगा -4 का होल स्क्वायर और 11 और 3 -14 का होल स्क्वायर, 4 चौक होगा 16 और 14 का वर्ग 196 होता है, और जोड़ेंगे इसे 6 6 12
और 9 और 1 10 और 1 11 और 212 मात्रक। अभी हम तीसरा डिस्टेंस निकालते हैं ए और सी के बीच की, ए सी जो होगी वो होगी आपकी ए और सी माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अर्थात माइनस 3 का होल स्क्वायर और 11 और 5 16 का होल स्क्वायर माइनस के। तो 3 3 9 और 16 का वर्ग 256 होता है, 256 और 9 265, यह आ जाएगा 265। आप देख पा रहे हैं दो छोटी भुजाएं ये हैं ए बी और बी सी, क्योंकि क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212, और इसका मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है किसके, अंडर रूट 265 के बराबर नहीं है, ये जोड़ जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू ए सी, तो बराबर नहीं है। जबकि संरेखीय होने के लिए क्या होना चाहिए था, ये दोनों मतलब इनका दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बड़ी के योग के बराबर आना चाहिए था, जो कि आपको पहले बताया था। तो आता है ये बिंदु बिंदु संरेखी नहीं है। अब ऐसे ही यदि हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको त्रिभुज पता होने चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के बारे में, जैसे समबाहु, समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं समान होंगी, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, विषमबाहु। तो इसमें क्या होता है, समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, इसमें तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और एक होता है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, पी जी टी यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही चतुर्भुज के भी पता होने चाहिए, जैसे चतुर्भुज में चतुर्भुज पता होना चाहिए। अब समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है, समांतर चतुर्भुज अगर ये एक एबीसीडी बना लूं मैं, तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन है कि इसकी ए बी बराबर होगी बी सी के, ए बी बराबर होगी सी डी के और ए डी बराबर होगी बी सी के, अर्थात आमने सामने की भुजाएं, लेकिन आमने सामने की भुजा तो आयत में भी बराबर होती हैं। इसमें क्या होगा, जो ए सी होगा विकर्ण बराबर नहीं होगा किसके, बी डी के, ये तो क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है, जैसे आयत है, आयत के लिए अगर लिख दें हम, तो आयत के लिए क्या होगा, ए बी बराबर होगा सी डी, ए डी बराबर होगा बी सी यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर, और साथ में ए सी बराबर बी डी भी होगा, तो इसे हम आयत कह देंगे। और इसी प्रकार अगर वर्ग की बात करें, वर्ग में क्या होगा, चारों भुजाएं ए बी बी बराबर होगी बी सी के, बराबर होगी सी डी के, बराबर होगी डी ए के, यानी कि चारों भुजाएं क्या होंगी आपकी, बराबर होंगी, ये बराबर का साइन है यहाँ, बराबर होंगी, और विकर्ण भी बराबर होंगे, यानी कि ए सी बराबर होगा बी डी के, ये वर्ग के लिए है। चारों भुजाएं अगर बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है, तो हम उसे बोल सकते हैं समचतुर्भुज, तब क्या बोलेंगे उसे, हम समचतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कंडीशन मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि बिंदु ये और ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पहला बिंदु है 5, -2, 6, 4, 7, -2, इन बिंदुओं को हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा चौथा, 5, -2,
चौथा क्वेश्चन है, 5, -2 और दूसरा पॉइंट है 6, 4 6, 4 और तीसरा जो पॉइंट है वो है 7, -2 7, -2। ये तीन पॉइंट दिए हैं, इनके हम नाम भी लिख देते हैं। इसे नाम देते हैं ए का, इसे बी का और इसे सी का। अब अगर हम बात करें, जैसे एक रफ त्रिभुज बना लें हम यहाँ पर, जैसे रफ त्रिभुज बनाया हमने ए बी और सी, तो आपने क्या फाइंड करना है, ये भुजा ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, ये तीनों भुजाएं फाइंड करनी है और फिर चेक करना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं इसमें ए बी को। ए बी सूत्र वही है, सूत्र आपको पता है, मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, आप जब एग्जाम में करें तो लिख सकते हैं। ए बी बराबर, ए बी बराबर कैसे निकालेंगे हम, 6 -5 +4 और -2 है तो इसलिए +2 होल स्क्वायर। तो ए बी जो होगा 6 -5 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और +4 और 2 6 6 का स्क्वायर 36। तो इस प्रकार ए बी जो फाइंड होके आया हमारे पास, ए बी आया है √37। इसी प्रकार हम अगर बी सी फाइंड कर लें, बी सी निकालें, तो बी सी जो होगा कैसे लिखेंगे आप, 7 -6 का होल स्क्वायर +-2 और -4 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 7 -6 यानी कि 1 का स्क्वायर और -6 का वर्ग 36 ही हो जाएगा। ये एक ही लिख सकते हैं हम, इसे एक लिख देते हैं, तो ये भी √37 बी सी मात्र। अब तीसरी भुजा भी निकाल लेते हैं हम, ए सी। तो ए सी अगर फाइंड करें तो ए सी कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ए और सी 7 -5 7 -5 का वर्ग प्लस -2 और +2 का वर्ग। तो 2 से 2 0 हो जाएगा और 7 में से 5 गए 2 यानी कि ए सी जो आएगा 2 का वर्ग और ये 0 का वर्ग, इसका मतलब ये हो गया 2 ए सी हो गया 2 मात्रक और ये मात्रक। आप यहां देख पा रहे हैं कि चूंकि चूंकि ए बी बराबर है बी सी के और कितना है √37 है, तो दो भुजाएं बराबर हैं, अतः ये बिंदु 1 समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार आप इन्हें सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मित्र हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु एबीसीडी पर बैठे हुए हैं। ये 4 मित्र बैठे हुए हैं एबीसीडी पर और चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आते हैं। कुछ मिनट तक देखने बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग बनाते हैं। चंपा और चमेली कक्षा में आते हैं और कुछ मिनट तक देखने बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन से, मतलब ये बताना है कि ये एक वर्ग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए लिखना चाहूं, इसे एक्स अक्ष माने और इसे वाई अक्ष माने, तो ए जो पॉइंट होगा मेरा वो होगा ए होगा एक्स पे 3 है 3, 4 और बी जो होगा बी पॉइंट होगा 6, 7 सी जो पॉइंट होगा वो होगा 9, 4 और जो डी होगा वो होगा 6, 1 तो इन चारों बिंदुओं को मैं पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए है 3, 4 ए बिंदु है 3, 4
और बी बी बिंदु है आपका 6.7 6.7, सी बिंदु है आपका 9.4 9.4 और डी बिंदु है आपका 6.1। अब आपको ये बताना है कि क्या ये एबीसीडी एक वर्ग पर बैठे हैं, तो वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए प्लस उसके जो विकर्ण है वो भी बराबर आने चाहिए, तो हम इसे कह सकते हैं कि एक वर्ग बनाते हैं। तो इसके लिए अगर इसकी रफ बनाएं तो ए बी एक भुजा हुई, बी सी सी डी अर्थात रफ बना लूं अगर मैं इसे चतुर्भुज को, तो ये ए बी सी और ये डी है, तो आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है और ये विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी जो डिस्टेंस है वही फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं मैं, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर अर्थात ये होगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अर्थात 9 प्लस 9 यानी कि 2 गुणा 9 और इसे कह सकते हैं हम 3√2। इस प्रकार ए बी फाइंड की हमने, अभी हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 9 में से 6 गए 3 का वर्ग और 4 में 7 गए -3 का वर्ग, 3 + 9 + 9 यानी कि फिर वही सेम कैलकुलेशन है, तो 3√2 मात्रक BC कोई भी मात्रक हो सकता है जिसमें भी ये पॉइंट दिए होंगे, सेंटीमीटर में मीटर में जो भी पैमाना माना होगा। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं CD, अगर AB BC CD निकालें सी और डी, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व होके ये फिर वही आएगा, सी डी इजल टू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, 3 + 9 9 + 9 √2 अर्थात 3√2। सी डी भी 3√2 है मात्रक, और जो लास्ट बचा हमारे पास वो बचा है डी ए। अगर डी ए फाइंड करें हम, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डी ए 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 बिल्कुल वही है, ये 3 3 यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो डी ए आया है हमारे पास वो आया है 3 + 9 + 9 √2 यानी कि डी ए जो है वो भी है 3√2 मात्रक। तो चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, अब इसके विकर्ण हमें बराबर निकालने हैं, तो विकर्ण अगर हम देखें, विकर्ण था इसका हमारा एसी, विकर्ण एसी बराबर देख पाएंगे ए और सी यानी कि 9 - 3 और 4 - 4 9 - 3 का वर्ग और 4 - 4 का वर्ग, तो 9 - 3 यानी कि 6 का वर्ग अर्थात ये 0 हो जाएगा तो 6 ही बचेगा, तो एसी हमारे पास आया 6 मात्रक। इसी प्रकार दूसरा विकर्ण जो है हमारा वो है बीडी, विकर्ण बी डी बराबर पॉइंट आप देख लेंगे बी और डी यानी कि 6 - 6 और 1 - 7
सिक्स माइनस सिक्स प्लस वन माइनस सेवन का होल स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाएगा। वन माइनस सेवन सिक्स, माइनस सिक्स का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ 36, यानी कि ये आ जाएगा 6 बीडी। आप देख पा रहे हैं चूंकि क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, अतः ये मित्र एक वर्ग बनाते हैं जो कि चंपा ने कहा था कि वर्ग बनाते हैं, चमेली उस बात से सहमत नहीं थी, तो इसलिए चंपा सही है। चंपा ने जो कहा था वो सही है, तो इस प्रकार इसे चेक कर सकते थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। वही आपको जब भी चतुर्भुज का प्रकार चेक करना है तो आपने चार भुजाएं निकालनी है और दो विकर्ण निकालने हैं, और फिर देखना है यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं तो आयत होगा, चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर है तो वर्ग होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो इन तीन क्वेश्चनों को आप स्वयं ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।